वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातु बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं टमाटे की तरकारी बना रही हूँ। ये चार प्याज है, इसको चॉप करके लियो। और ये पाव किलो टमाटा है, इसको बारीक काट के लियो। ये तेल दो चम्मच डालने का है तलने के लिए। एक चम्मच ये अदरक लहसुन है, ये मिर्ची ऊपर डालने के लिए, ये लाल कश्मीरी पाउडर है, ये जीरा है आधा पाउडर आधा चम्मच, ये एक चम्मच कश्मीरी पाउडर है, एक चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है। ये सब टमाटर की तरकारी के लिए है। ये देखो, ये चार प्याज है, इसको बारीक चॉप करके लिए दो चम्मच तेल डालिए। ये अभी टमाटर की तरकारी बना रही हूँ। ये अभी कांदा फोलने के लिए रखी हूँ, तेल दो चम्मच डाली हूँ, चार कांदे हैं। अब इसमें ये कांदा फोलने के लिए ये डालने का है नमक। अब ये नमक से कांदा अच्छे से लाल जल्दी जल्दी हो जाएगा। कांदा लाल हो गया कि फिर उसको अंदर से टमाटे डालेंगे, मसाला डालेंगे, फिर टमाटे की तरकारी बनेंगे। लास्ट में हरी मिर्ची डालेंगे, हरी मिर्ची तेज होता है इसके लिए। मैं टमाटे की तरकारी बना रही हूँ। कांदा देखो पोल के हो गया, नमक और कांदा पोल के हो गया। अभी अदरक लहसुन एक चम्मच डालने का, मिक्स कर लेगा अभी इसमें, अच्छा भुनने का इसको। भुन के हो गया फिर हल्दी मिर्ची जीरा हरी मिर्ची डालने की, और फिर टमाटर डालने का। अदरक लहसुन भून के हो गया, अभी देखो हल्दी मिर्ची और जीरा इसमें डालने का, मिक्स कर लो। ये टमाटर की चटनी बोलते हैं इसको, चटनी बोलते हैं, टमाटर की भाजी बोलते हैं, टमाटर की तरकारी बोलते हैं। मसाला भून के हो गया, अभी ये टमाटे पाव किलो टमाटे, अब ये धनिया डालने की, इसमें गरम मसाला नहीं डालते हाँ, इसमें जो मसाला लगा वही मैं डालूँ, गरम मसाला नहीं डालना। इसे अब मिक्स करी हूँ, अभी मैं बारीक करके चक्कर रख के रखती हूँ। देखो टमाटे की तरकारी हो गई, टमाटे की तरकारी बनके तैयार है। अब इसको रोटी के साथ पाव के साथ खा लो।